नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। पुण्यवान बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। अच्छा बंधु जी, कभी कभी माया पिताजी को अपना बच्चों के चलते ही दुख मिल जाता है। पूरा जीवन भर उधार वापस करने के बराबर में माँ एवं पिताजी अपने बच्चे लोगों को सेवा करते हैं। अंत में वही बच्चे लोग माँ एवं पिताजी पर अन्याय करते हैं, तो उस समय माँ एवं पिताजी का जीवन पेड़ गिरना जैसा टूट जाता है, गिर जाता है। बेचैन होता है। उसी प्रकार आश्रण होने के बाद, बेसहाय होने के बाद अगर धर्म नहीं रह गया तो उन मम्मी पापा लोगों को क्या हो जाएगा? धर्म नहीं मिल गया तो उन मम्मी पापा लोगों को क्या हाल हो जाएगा? बंदे क्या करेंगे? तो उसी प्रकार बेसहारा होने के बाद अगर उन लोगों के पास धर्म भी नहीं रह गया तो उन लोग का जीवन बहुत बहुत गिर जाता है। ये कहानी को देखिए। श्रावस्ती में एक किसान का घर था। उसी किसान मालिक और मालकिनी को 7 बेटा और 7 बेटी थी। इसका मतलब 14 परिवार। तो ये माँ एवं पिताजी सब बच्चे लोग बहुत खुशी से जीवन बिताए। माँ एवं पिताजी अच्छा से बच्चे लोग को सेवा किए हैं। समय आने के बाद सारे लोगों का शादी करवाए हैं। धन संपत्ति जमीन वगैरह भी बराबर सारे लोगों को बांट दिया। ये दोनों भगवान बुद्ध के शरण में गए हैं और बहुत खुशी से जीवन बिताए हैं। कुछ समय जाने के बाद बच्चे लोगों का पिताजी का मृत्यु हो गया, तो मम्मी जी हर एक बच्चे लोगों का घर घर पे रह के जीवन बिताने लगा। कुछ दिन जाने के बाद बड़ा बेटा का पत्नी ये मम्मी जी को अलग अलग बात कर बोलने लगी, अरे कमाल की बात है, हम लोग को क्या ज़्यादा दिया है धन संपत्ति? हमको बच्चे लोग को देखना है, बूढ़ी को देखना है, कितना काम घर पे करना पड़ता है, क्या तकलीफ है मेरे लिए? ऐसे करके मम्मी जी को वो बहुत बहुत अपमान की है। इसके बाद वो दूसरा बच्चा का घर पे गया, वो उसका पत्नी बताए, हाँ हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिया क्या? अगर हम लोग को कुछ ज़्यादा दिया तो हम लोग भी कुछ बिना करके नहीं रहते हैं। आजकल बूढ़ा बूढ़ी लोग को सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। सांस जी, यहाँ रहने से ज़्यादा अच्छा है ना अपना बड़ा बेटी के पास गया तो, वहाँ जाके रहो अच्छा से। फिर ये मम्मी बड़ा बेटी के पास गई। इसके बाद बड़ा बेटी बताए, मम्मी तुमको अभी हमको याद आए हैं, पहले तुमको एक बूंदा याद तक नहीं है मेरा बेटी है। कम से कम हमको सोने का चूरी ज़्यादा दिया क्या? एक भी नहीं दिया ना, तो इधर रहने का मतलब क्या है? बार बार थांग करता है, हर जिसका घर पे जाता है उधर से डांट सुनना पड़ता है। तो ये मम्मी जी सोचने लगी, हम किसी भी बच्चे लोगों को कष्ट देंगे? इन लोग को हम बराबर धन संपत्ति दे दिया फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। ये क्लेश गंदगी के सहित ये संसार वैसे ही है। ये बच्चे लोगों की गलती नहीं है, ये क्लेश गंदगी का जीवन का गलती है, ये क्लेश गंदगी का जीवन का ही गलती है। हम
इस संसार में अपना बच्चों के चलते कितना दुख सहन किए होंगे। अगर हमको तथागत भगवान बुद्ध की धर्म नहीं मिल गया तो ये बच्चे लोगों के चलते बच्चा लोगों का अपमान के चलते हमको बहुत गुस्सा आता होगा, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तथागत भगवान बुद्ध की ये ज्ञान आश्चर्य है, उनकी ज्ञान से हमारा मन पूरा सुरक्षा कर देता है। मन सुरक्षा हो गया तो शरीर तथा वाणी भी सुरक्षा हो जाता है। हम तो बच्चों लोगों का ये आप अपमान मनन नहीं करते हैं, मत कोई मतलब नहीं है। संसार में कितना मनन करते दुख सहन किए होंगे, हम तो तथागत भगवान बुद्ध की उपदेश ही मनन करते हैं। बच्चे लोग जो कुछ करता है वो करते ले जाएगा, मुझे कोई कर नहीं पाएगा, मुझे ये बच्चे लोग के बारे में दुख है। इतना कीमती ज्ञान सुनाई देता है इस समय, फिर भी इन लोग ये जीवन में फंस कर दुख से जीवन बिताते हैं, जैसे में पतिंगा जैसा। पतिंगा कैसे रहता है, दिया जल रहा है ना उस पर कूद कूद के रहता है, सुख मिलता है लेकिन उसमें मर जाते हो। अब हम एक काम करना चाहिए, ये बच्चे लोग का घर घर जा कर के भीख मांगने से ज़्यादा अच्छा है भिक्षुनी लोगों का आश्रम में जा कर के धर्म पे रास्ता पे जाएंगे। तो वो माताजी भिक्षुनी के पास गए, जा कर के भिक्षुनी लोगों को बहुत अच्छा सेवा किया। तो भिक्षुनी लोग को बहुत सेवा सत्कार सम्मान करने के कारण कुछ समय में इनको भी भिक्षुनी बनने का भाग्य मिला। बंदे हाला नहीं, तो बहुत बच्चे लोग होने के कारण इनका नाम आ गया बहुपुत्तिक थेरी। इनका नाम है बहुपुत्तिक थेरी। हाथ नीचे करिए, सुन रहे हैं। कितना बुरी हो गया था भी ये बहुपुत्तिक थेरी बहुत पुण्यवान है, बहुत श्रेयाकांता। श्रेयाकांता मतलब आज से एक बूंदा नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करती है, कभी अपना मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं निकालती है। बाकी भिक्षुनी लोग कुछ भी काम बोलेगा तो मुश्किल से भी वो काम करती है। वो वक्त बहुत अच्छा से करती, कभी वक्त छूटा छोड़ दिया नहीं। तो इसी प्रकार रहने के कारण ये भिक्षुनी सारी भिक्षुनी संघ के बीच में चमक रही थी। ये नया भिक्षुनी वो दिन भर बात करती है, सुबह से लेकर शाम तक ध्यान नहीं, सिर्फ बात करती है। रात में वो नीचे तल्ला में उतर जाती है, उतर जाते नीचे तल्ला के बीच में एक पिलर है, पिलर को पकड़ के चक्रमण करती है, क्योंकि गिर गया तो इसलिए गिरने का डर से वो पकड़ के चक्रमण करती है। बाहर चक्रमण करते समय वो अंधेरे में ही चक्रमण करती है, बाहर चक्रमण करते समय में भी वो कह के चक्रमण करते हैं, कोई पेड़ को पकड़ के चक्रमण करती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है, अगर गिर गया तो तकलीफ होता है। लेकिन वो तो बहुत पुण्यवान है, सामत विपासना भावना बढ़ाने का पुण्य उनके पास था। एक दिन वो सारे संस्कार को अनित्य प्रकार से मन करके देखते समय उनका मन शांत हो गया, अकुशल विचारों से मन मुक्त हो रहा था। उस समय तथागत भगवान बुद्ध एक रश्मि धारा उनके पास बैठाया, एक गाथा सुनाया, योचे वस सतं जीवे
अपस्सं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो धम्ममुत्तमं। सो साल समय बिताया गया था बिना कोई धर्म को देखकर, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन धर्म को जान करके, ज्ञान प्राप्त करके अगर एक दिन बिताएगा तो वो 100 साल से ज़्यादा, एक दिन बहुत कीमती होता है। अगर दूसरे लोगों के पास ऐसा हो गया, दूसरों के साथ ऐसा अन्याय हो गया तो अपना बच्चे लोगों को अपमान करते करते गांव गांव में घर घर पर जाके बोल देगा। अभी कितना लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग हम लोग आके बोलते हैं बच्चा ऐसे किया, खाना नहीं दिया, वो हुआ ये हुआ। फिर वही माई बाप लोग जन्म जन्म में बदलाव लेने का संकल्प लेते हैं, श्राप करते हैं। लेकिन ये पुण्यवान माता जी को तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान को मनन करने का शक्ति था। ये माता जी के पास बहुत सहनशीलता था, किसी को दोष नहीं लगाया। वो संसार की ये सब कुछ बच्चे लोगों की गलती जैसा नहीं समझा, संसार का गलती ये समझ गई हो। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने को दोष लगाते हैं ना, लेकिन ये संसार को दोष लगाए, संसार का गलती है। इसीलिए पुण्यवान माता जी को धर्म इस जीवन में ही देखने का भाग्य मिला। दूसरे लोग अपने को अन्याय करते समय अपना मन सीधा रखने का हिम्मत है तो उस समय बिना डांट के, बिना गुस्सा करके रहने का हिम्मत है तो निरंतर मैत्री विचार करते रहने का हिम्मत है तो कितना वासना है, कितना पुण्यवान है, कितना भाग्यशाली है। हम लोग भी वो पुण्यवान माता जी जैसा अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। साथ, 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 साथ।